हेलो, इस कुटिया में बैठे हुए मैं चमकती हुई मणि, मुझसे चारों ओर किरणें फैल रही हैं, कितना सुंदर समय है मुझ आत्मा का मिलन परम आत्मा से होने जा रहा है। सभी बैठ जाएं राजा बनकर अपने सिंहासन पर, भ्रकुटी सिंहासन पर। मैं आत्मा राजा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूं। मैं तपस्वी कुटिया के बीच बैठा हूं। मैं आत्मा शांत स्वरूप मुझसे चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। मैं आत्मा पीस हाउस शांति की भंडार मुझसे निकले हुए शांति के वाइब्रेशंस दूर दूर तक सारे विश्व में फैल रहे हैं। मैं आत्मा परम पवित्र मुझसे चारों ओर पवित्रता की सफेद किरणें फैल रही हैं। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप माइट हाउस मास्टर ऑलमाइटी अब हम पांच स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। सभी अपनी बुद्धि में वैसा वैसा ही चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अनादि स्वरूप में। मैं आत्मा परम धाम में चारों ओर गोल्डन प्रकाश संपूर्ण शांति। परम धाम से नीचे उतरकर मैं आत्मा प्रवेश करती हूं एक दिव्य शरीर में। मैं देव स्वरूप में हूं।
सिर पर डबल ताज, सिंहासन पर विराजमान, चारों ओर स्वर्ग का नजारा, गोल्डन दुनिया में जहां चारों ओर सुख शांति का साम्राज्य है, अपने पूज्य स्वरूप में मैं दुर्गा हूं, विघ्न विनाशक गणेश हूं, मंदिर में स्थापित सामने भक्तों की भीड़, हाथों से वरदान देते हुए सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हुए मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण वरदानी आत्मा भगवान स्वयं मेरा साथी सद्गुरु के आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर मैं फरिश्ता मैं चमकती हुई मणि प्रकाश के शरीर में विराजमान बंधन मुक्त लाइट हाउस डबल लाइट अब मैं फरिश्ता उड़कर चला ऊपर की ओर, चलें सभी यात्रा पर, मैं फरिश्ता आकाश में बाबा से पवित्रता की सफेद किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मैं फरिश्ता प्रकृति का मालिक मुझसे निकली हुई पवित्रता की सफेद किरणें चारों ओर फैलकर प्रकृति को पावन कर रही हैं। अब मैं फरिश्ता और ऊपर उड़कर सूक्ष्म वतन में चारों ओर सफेद प्रकाश दिव्यता
सामने से आ रहे हैं, बाप दादा अपनी मीठी मुस्कान बिखेरते हुए हम दोनों का मिलन अब अपने सूक्ष्म शरीर को यहीं छोड़कर आत्मा बनकर हम चले अपने स्वीट साइलेंस होम में। सामने दिख रहे हैं ज्ञान सूर्य शिव बाबा, उनकी किरणें मुझ में समा रही हैं। मैं सर्वशक्तिमान से कंबाइंड जो शक्तियां शिव बाबा में हैं वो सब मुझ में, बाबा शांति के सागर, उनकी शांति की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। स्वयं में बाबा की शक्तियां और शांति समाकर मैं आत्मा नीचे उतरती हूं, फरिश्ता स्वरूप धारण करके ग्लोब के ऊपर हूं। मैं पूर्वज आत्मा, मुझे सभी आत्माओं की शक्तियों से पालना करनी है। मैं ग्लोब के ऊपर सर्वशक्तिवान से
की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे चारों ओर विश्व में फैल रही हैं। शक्तियों का रंग बिरंगा फाउंटेन मुझ पर पड़ रहा है। सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र है। मैं सर्वशक्तिवान की छत्र छाया के नीचे हूं। फिर से चलें निराकारी स्वरूप में, परम धाम में, ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे। स्वयं में शक्तियां भरकर फरिश्ता बनकर फिर से नीचे चारों ओर वाइब्रेशंस फैलाते हुए
ओम शांति। हम सभी के जीवन में जैसे संगम युग वरदान बनकर आया है, वैसे ही रोज अमृत वेला भी वरदान बनकर आता है। और जैसे हम सभी ने अब पांच स्वरूपों का अभ्यास किया, यदि रोज सवेरे इसी तरह पांच स्वरूपों का अभ्यास पांच बार कर लिया जाए तो मन बुद्धि स्थिर हो जाता है, विचार सुंदर हो जाते हैं और हम उस वरदानी वेला का संपूर्ण आनंद ले सकते हैं। संगम युग हम सभी के लिए ईश्वरीय सुखों को प्राप्त करने का समय है। जिस आत्मा ने संगम युग पर अपनी झोली ईश्वरीय सुख से भर ली, वो जन्म जन्म सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। अशरीरी होने से, योगयुक्त होने से, ज्ञान के चिंतन से हमें ईश्वरीय सुख मिलता है। तो मैं आप सभी को फिर से स्थित कराना चाहूंगा, जैसे जब हम बाबा की मुरली सुनेंगे। हम सभी ने रोज सुना है साकार मुरलियों में, बाबा आते ही हमें आत्मभिमानी स्थिति में स्थित होकर बैठाते हैं, क्योंकि आत्मभिमानी होते ही हमारी धारणा शक्ति संपूर्ण रूप से बढ़ जाती है। अब हम सभी स्थित करें अपने को कि मैं आत्मा भ्रकुटी के बीच बैठी हूं और कानों से आवाज की तरंगें मुझ तक पहुंच रही हैं। जितनी हमारी बुद्धि स्थिर होती है उतना ही हम ईश्वरीय मिलन का संपूर्ण आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हमें बाबा जो कि सुखों का सागर है, सुखों से भरपूर करता है, सुखों का भंडार बनाता है, इसलिए भी कि आने वाले समय में हमें सारे संसार को सुख बांटने हैं, हमें दुख हरने हैं सबके। जो कार्य बाबा का है वही कार्य हमें भी करना है। इसलिए जिसे अपने को सुखों का भंडार बनाना है, मास्टर सुखों का सागर, वो अपने मन को, अपने चित्त को पॉजिटिव करे। ये संगम युग हम सभी को जहां और बहुत सारी प्राप्तियां कराता है, वहीं दिव्य बुद्धि का वरदान भी देता है। बाबा हम सभी को ज्ञान देकर दिव्य चक्षु और दिव्य विवेक प्रदान कर रहा है। ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी बुद्धि को कितना दिव्य बना पाते हैं। जो पुराने भाई बहने इस सभा में बैठे हैं उनके लिए भी और नयों के लिए भी मैं बाबा की ये बात याद दिलाऊं, बुद्धि की सफाई करने वाले और बुद्धि से श्रेष्ठ चिंतन करने वालों की बुद्धि बाबा जैसी हो जाती है, डिवाइन हो जाती है।
हम सभी को अपने जीवन में ये लक्ष्य रखना है, हम अपनी बुद्धि की सफाई कर दें। जन्म जन्म से हमने अपनी बुद्धि में बहुत कुछ भर लिया है, निगेटिव बातें भरी हैं, ऐसे विचार भर लिए हैं जो आत्मा को कष्ट दे रहे हैं, ऐसा चिंतन भर लिया है जो ईश्वरीय चिंतन नहीं करने देता। हम अपने पर ध्यान देकर बुद्धि को स्वच्छ करें। आज बाबा के सामने बैठकर सभी को अपनी बुद्धि पर एक नजर डालनी है कि मैंने अपनी बुद्धि में क्या क्या भरा है। बहुत सुंदर तिजोरी है ये, बहुत विशाल बर्तन है हम सभी के लिए। हम इसमें जितनी अच्छी चीजें भरेंगे, इसका प्रभाव जन्म जन्म हमारे साथ चलेगा। आज इस वर्ष का अंतिम दिन और हम प्रवेश करेंगे नए वर्ष में। बाबा तो हमें पिछली हर मुरली में याद दिलाता आ रहा है कि नए वर्ष में सभी को महामंत्र धारण करके संपूर्ण निरहंकारी बनना है। कितना अच्छा हो कि आज हम बाबा को एक सुंदर संकल्प भेंट करें कि आपने जो ये काम हमें दिया है हम अगले वर्ष करके दिखाएंगे। सभी अब ध्यान से सुनेंगे जरा, बाबा ने हमें काम दिया है अगले वर्ष फॉलो फादर करके बाप समान बनने का, ताकि प्रत्यक्षता का डंका संसार में बजे, समय समाप्त हो और ये खेल दूसरे रूप में बदल जाए। तो हम सभी को आज दृढ़ संकल्प करना है कि बाबा आपने जो काम हमें दिया है हम 200 नाखूनों का जोड़ लगाकर हर कीमत पर उसे पूर्ण करेंगे। बाबा ने बहुत अच्छा काम दिया है हमें और ये एक अनुभव है अनेक आत्माओं का कि जब बाबा के द्वारा दिए गए काम को हम करना चाहते हैं, उमंग भरते हैं मन में, तो वो काम अवश्य हो जाता है। हमारा केवल दृढ़ संकल्प बाबा की मदद को खींच लेता है। फिर से सभी अपने से बातें करेंगे, मेरे कहने से नहीं, सच्चे दिल से और सच्ची लगन से, कि हम में से हरेक से अगले वर्ष बाबा दिखाई दे। बाबा का नाम इस संसार के हर मनुष्य के दिल में गूंज उठे। सभी आत्माएं सच्चे दिल से कह दें मेरा बाबा है, इससे उन्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान मिल जाए। हम सबको ही करना है, हमारा ही ये अधिकार है, और जो ऐसा करेंगे उन्हें बाबा की ओर से बहुत बड़ा प्राइज भी प्राप्त होगा। आज का हमारा ये दृढ़ संकल्प हमारे लिए वरदान बन जाएगा। बाबा की दृष्टि पड़ते ही हमारे इस संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति भर जाएगी। हमें संपूर्ण निर्विकारी होना है, निरहंकारी बनना है, और इसके लिए ज्ञान के बल के साथ साथ निराकारी स्वरूप का भिन्न भिन्न तरह से अभ्यास करना है। हमारा निराकारी स्वरूप, जिसको हम दूसरे शब्दों में इस तरह कहें कि हमें स्वयं को एक संकल्प में स्थित रखना है, हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से अपना स्वरूप दिखता रहे,
हमारे मन में उठा हुआ संकल्पों का बहाव इस स्वरूप को समाप्त न कर दे, ऐसी स्थिति हमें बनानी है तो हमें चाहिए कि हम अपने से दृढ़ता पूर्वक मेहनत करने का संकल्प लें। बाबा का इस बार बहुत जोर है निरहंकारी होने पर। मोटे रूप से तो हम सभी ने अपना अहंकार छोड़ दिया है, परंतु सूक्ष्म रूप से मैं और मेरेपन को चेक करके हम समाप्त करते चलें, पूरा वर्ष एक ऐसी लहर चलाएं कि हम और हमारे सभी भाई बहने उस लहर में बह जाएं और सभी अपने अपने अहंकार को समाप्त कर जीवन को दिव्यता के मार्ग पर ले चलें। आज हम सभी के लिए बहुत सुंदर समय है सभा में। इस सभा में जो आत्मा इस फीलिंग में बैठ सके कि केवल मैं हूं और सामने बाबा और कोई नहीं, उसे सर्वश्रेष्ठ अनुभव प्राप्त होंगे। लेकिन जब सामने भगवान बैठा हो, जब ज्ञान सूर्य परम धाम से हमारे सामने उतर आया हो, तब उस महाचुंबक की ओर हम इतने खिंच जाएं कि बस मैं और वो, और फिर मैं भी न रहूं केवल वो, ऐसी फीलिंग में हमें स्वयं को ले आना है। जिन्होंने लंबे समय से योग के अच्छे अभ्यास किए हैं वो सभा में इस तरह अपने को चारों ओर के प्रभाव से मुक्त करके स्थिर चित्त कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं पहले नयों के लिए भी ये बात स्पष्ट करूं, अभी से सभी एक फीलिंग में बैठेंगे कि जैसे बाप दादा ऊपर से दादी के तन में अवतरित होंगे, वैसे ही मैं आत्मा भी ऊपर से इस तन में अवतरित हुई हूं। मैं भी महान आत्मा और वो परमात्मा, दोनों एक ही स्वरूप में बैठे हैं। अभी से आप अपने को ये संकल्प दे दें और अपने को स्थिर कर लें, मैं आत्मा ऊपर से इस तन में आई हूं, और अभी से अभ्यास कर लें इस तन को छोड़कर मैं एक सेकंड में अपने धाम जा सकती हूं, वहां से फिर नीचे आ गई। हम सभी ईश्वरीय नशे के साथ यहां बैठेंगे। मेरा ये अपना अनुभव है, पहले दिन से जब अव्यक्त बाप दादा का आगमन शुरू हुआ, सवेरे से ही मन में इस तरह के खुशी के विचार होते थे कि आज भगवान स्वयं हमसे मिलने आ रहा है। कितना भाग्य है हमारा जिसके एक सेकंड के दर्शन करने के लिए हम सबने भी हजारों साल तक इंतजार की है, आज वो हमारे सामने बैठा होगा। आप में से अनेक भाई बहने जो पहली बार आए, उनके मन में अनेक कल्पनाएं होंगी, बाबा किस तरह आएगा, अनेक तरह के विचार होंगे, नशा भी होगा। तो हम अपने को नशे में स्थित करके बैठे कि मुझसे भाग्यवान इस सारे संसार में कोई नहीं है जिसका भाग्य बनाने के लिए स्वयं भाग्य विधाता आ रहा है। ज्ञान सूर्य स्वयं आ रहा है अपनी शक्तियां हम में भरने के लिए, वो स्वयं आ रहा है हमें राजभाग्य देने के लिए, जिसको मिलकर
जन्म जन्म की प्यास बुझ जाती है, जिसके क्षण भर के दर्शनों के लिए सन्यासी लोग सब कुछ त्याग करके तपस्या करते हैं, वो हमारे पास आ रहा है। जिसको हम रोज परम धाम में योग लगाते हैं, वो सर्वशक्तिवान हमारे सामने बैठा होगा। दो संकल्प सभी के लिए। जितनी देर भी बाबा आज हमारे सामने बैठेगा, 4 घंटे से ज्यादा, बाबा के स्वरूप पर अपनी बुद्धि को एकाग्र करके बाबा से सर्व शक्तियां स्वयं में भरनी है, पूरे 4-5 घंटे। जैसे कि हम सर्व शक्तिवान की शक्तियां अपने में समा रहे हैं, ऐसा अभ्यास करना है। परम धाम में जब हम बुद्धि को स्थिर करते हैं, तब हमारी बुद्धि इधर उधर जा सकती है, लेकिन जब वो हमारे सामने बैठा है, तब हमारी बुद्धि इधर उधर नहीं जाएगी। निरंतर उसकी किरणें हम पर पड़ती रहती हैं। इस अभ्यास में हम बैठेंगे। दूसरी चीज जो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है, बाबा रोज हमें याद दिलाते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसको हम अपने चिंतन में समाएंगे, अपने से ये बात करेंगे आज कि मेरे साथ कौन है, जो मेरे सामने बैठा है, जो सर्वशक्तिवान है, जिसकी शक्तियों की चर्चा भारतीय दर्शनों में, पुराणों में बहुत ज्यादा कही हुई है। मुझे एक बात सदा याद रहती है, मैं सुनाया करता हूं। इंडियन माइथोलॉजी में, भारतीय पुराणों में ये कहा गया है कि यदि उसकी भ्रकुटी तन जाए तो 7 सागर थर्राने लगते हैं, हिमालय सिर झुका देता है। ऐसा सर्वशक्तिवान हमारा साथी है। उसे हम बहुत अच्छी तरह देख लेंगे आज कि ऐसे सर्वशक्तिवान साथी का साथ होने पर हमें चिंता क्यों, हमें डर क्यों। अपने अंतर मन में, सबकॉन्शियस माइंड में इस फीलिंग को समाएंगे। जो विश्व रक्षक है, जो भाग्य विधाता है, सृष्टि का क्रिएटर है, वो मेरा साथी है, मेरा फ्रेंड है। और साथ में ये संकल्प सदा याद रखेंगे कि उसका साथ होने पर न डर न चिंताएं, क्योंकि हमें उसके साथ की अवेयरनेस कम रहती है, इसलिए मैंपन रहता है, चिंताएं और भय रहता है। परंतु यदि हम अपने अंदर बार बार ये संकल्प भर दें कि वो हमारा सच्चा साथी है, और साथ साथ ये संकल्प भर दें कि उसने हमें सदा साथ देने का वायदा किया है, बहुत बड़ी बात है। सभी विचार कर लें, भगवान किसी को वचन दे दे कि हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मनुष्य तो मनुष्य को वचन देकर तोड़ देते हैं, लेकिन भगवान के वचनों को तो हम जानते हैं। उसने एक बार जो वचन दे दिया वो संपूर्ण सत्य है। याद रखें, हम उसने वायदा कर लिया है, वचन दे दिया है, मैं हर परिस्थिति में, हर समस्या में तुम्हारे साथ हूं, और जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। एक छोटा सा अभ्यास मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं, आप सभी उसको अपने जीवन में रोज अभ्यास करें। बहुत लोग, भाई बहने, माताएं इसका अभ्यास कर चुकी हैं,
टीचर बहनें अपने सेंटर्स में करेंगी, माताएं अपने अपने घरों में, वो अभ्यास है बाप दादा का आह्वान। बहुत सिंपल बात है, सभी ध्यान से सुन लेंगे। सवेरे उठते ही आप बाबा का आह्वान करो, बुलाओ उसे कि आप नीचे आ जाओ मेरे पास, और फिर देखो कि दोनों शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में नीचे आ गए हैं, उनसे चार ओर वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, बाबा हमें दृष्टि दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। एक मिनट तक उनकी उपस्थिति का आभास करें, ऐसा 5 बार कर लें दिन में सोते हुए। और माताएं जो घरों में हैं, 3 बार भोजन बनाने से पहले सेंटरों में बहने करके देखें, 5 बार बाप दादा का आह्वान। आपको ऐसे लगेगा कि सचमुच बाबा आ गए हैं, वाइब्रेशंस वैसे ही हो जाएंगे जैसे आज यहां होंगे। और जिस घर में रोज बाप दादा आने लगे, वो घर आपदाओं से मुक्त हो जाएगा, समस्याएं वहां ठहर नहीं पाएंगी, विघ्न लोप हो जाएंगे और हम सबका मनोबल बढ़ जाएगा। एक बहुत सुंदर अभ्यास है, सभी को स्पष्ट हो गया होगा। फिर मैं पूछता हूं, एक हाथ उठाकर आप बताएंगे सभी ऐसा कर सकेंगे? जो कर सकें वो हाथ उठाएंगे, केवल हाथ नहीं उठाना है, बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, मुझे विश्वास है कि जैसे आज बाबा यहां आएगा, आपके घर में रोज 5 बार आएगा, कितना अच्छा होगा। आप वहीं मिलन कर सकेंगे, बाबा की आवाज सुन सकेंगे, ताली एक ही हाथ की बजा देंगे, रोज मिलन का अनुभव होगा। इसमें इस बात का कोई महत्व नहीं कि आप नए हैं या पुराने, आप 7 दिन से ज्ञान में हैं या 20 साल से हैं, बाबा का आह्वान करते ही बाबा हमारे पास आ जाता है। मैं आप सभी को एक बात और याद दिलाऊं कि भक्ति में तो कहा ही जाता है कि भगवान प्यार और भावनाओं का भूखा है, लेकिन अब भी भगवान राजी हो जाता है प्यार और भावनाओं पर। हम अपनी प्यार की रस्सी में उसे बांध सकते हैं, यदि हमारे दिल में उसके लिए सच्ची भावनाएं हैं तो हमारी भावनाओं पर वो कुर्बान है। केवल विवेक नहीं, केवल ज्ञान के द्वारा हम उसको समझने की कोशिश न करें, भावनाओं को भी बढ़ाएं, भावनाओं का विस्तार करें। भावनाओं में और प्यार में हम भगवान को बांध सकते हैं। एक और बात आप सभी के सामने है, जैसे जैसे संसार विनाश की ओर बढ़ रहा है, उलझन और परेशानी, समस्याएं और परिस्थितियां, घर घर में अशांति का वातावरण भी दिनों दिन उग्र होता जा रहा है। जो भाई बहने ज्ञान में आ जाते हैं, सभी ज्ञान में नहीं चलते, उनके परिवारों में भी ऐसा ही रहता है, क्या करें? क्योंकि यदि पारिवारिक जीवन में संघर्ष है, यदि कार्य व्यवहार में संघर्ष है, तो जीवन में संघर्ष मन को बाबा का सुख नहीं प्राप्त करने देता, संगम युग खाली बीतने लगता है। संगम युग जो ईश्वरीय अनुभूतियों की खान बनाने वाला है, वो खाली गुजर जाए ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। इसलिए मैं आपको 2-3 बातें टिप्स के रूप में दे रहा हूं, आप सभी ने सुना तो है, हम सभी के पास ड्रामा का संपूर्ण ज्ञान है,
एक एक आत्मा के पार्ट का ज्ञान बाबा ने दिया है, इसलिए आपके परिवार में जो कुछ होता है उनमें से कुछ चीजों को स्वीकार करें, कुछ चीजों के लिए साक्षी होकर रहें, सहज भाव से जीवन जीने की आदत डालें, समस्याओं को भी सहज भाव से पार करें, दूसरों के साथ भी सहज भाव से रहें। ये जरूरी नहीं आपके बच्चे वैसा ही करेंगे जैसा आप चाहते हैं, और यदि आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे वैसा ही करें जैसी आपकी इच्छा है, तो उसके दो तरीके हैं। बहुत सुंदर साधना है, हजारों आत्माओं के द्वारा अनुभव किया हुआ यह अभ्यास है, दूसरों के लिए आत्मिक दृष्टि और अपने लिए स्वमान जादू का काम करता है। बाबा की मुरलियों में हम बहुत बार सुन चुके हैं, जीवन की सभी समस्याओं को स्वमान के बल से समाप्त किया जा सकता है। स्वमान और आत्मिक दृष्टि वृत्ति जिस आत्मा ने बनाने का अभ्यास किया उसकी जीवन की यात्रा सुखद हो जाती है, और जो आत्माएं इसको भूलकर जीवन की एक एक समस्या को हल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं वो कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। इसलिए इन दो चीजों पर सभी ध्यान देंगे, सहज रूप से जीवन जीने की कला सीखते चलें। बोलने की कला भी सीखनी है सबको, हमारे बोल हमारी समस्याओं को या तो पहाड़ बना सकते हैं या समस्याओं को रुई कर सकते हैं। बोल बहुत बड़ी चीज है, जिन्होंने इतिहास पढ़ा है वो जानते हैं, एक एक बोल ने इतिहास बदल दिया। हमारे बोल वरदानी हो सकते हैं, हमारे बोल किसी के जीवन को महान बना सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं। हम किस तरह के बोल बोलें, यदि ज्ञानी होकर हमने ये कला न सीखी तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। मैंने पिछली क्लास में भी एक फॉर्मूला सुनाया था, फिर से सुना देता हूँ, सभी लगभग नए बैठे हैं जिन्होंने पिछली बार वो नहीं सुना, टीचर्स बहनों को भी काम आएगा, जो नॉन बी के हैं उनके लिए भी और जो बाबा के बच्चे हैं उनके लिए भी। फॉर्मूला है सिंपल नाम ए बी सी डी फॉर्मूला। आप अपने जीवन में इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, ये सूत्र है जीवन का, शब्द इंग्लिश के हैं लेकिन हिंदी में ही इसको बहुत सहज रूप से समझा जाएगा। ए फॉर अवॉइड, कुछ चीजों को जीवन में अवॉइड करके चलो। बी बाईपास, कुछ बातों से बाईपास होकर निकल जाओ। सी कैंसिल, कुछ चीजों को सदा के लिए कैंसिल कर दो जीवन से। और डी डू करो, मनुष्य अपने जीवन में क्या गलती करता है, हर चीज को करना चाहता है। या कुछ लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे जो हर चीज को कैंसिल कर देते हैं, रिजेक्ट, हमें परख कर अच्छी तरह विचार करके देख लेना होगा क्या करना है, किस चीज को अवॉइड कर दें, किस चीज से साइड से होकर निकल जाएं, कुछ करें कुछ न करें। ए बी सी डी फॉर्मूला, आप स्वयं इसका विस्तार कर लेना अपने जीवन में और इसको अपना कर जीवन को सहज भाव से जीने का आनंद लेंगे। एक और बात, जीवन के लिए संगम युग, ऐसा कहें पूरा कल्प समाप्ति की ओर है। हमें बाबा से बहुत सुंदर अवसर मिला है भाग्य बनाने का, सभी अपने से बातें किया करें। जब हम ये बात कहते हैं, बाबा जब कहता है स्वचिंतन करो, अपने से बात करो,
तो कई भाई बहने पूछते हैं अपने से बात कैसे करें, पर मैं आपको याद दिला दूं, हर व्यक्ति अपने से बात करता है। आप स्टूडेंट हैं, आप रोज अपने से बात करते हैं, ये काम कर लिया, ये करना है, एग्जाम में इतने नंबर लाने हैं, इस तरह मेहनत करनी है, अब एग्जाम नजदीक आ गया, मुझे पिक्चर्स नहीं देखनी है, टीवी नहीं देखनी है। आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपने से बात करते हैं, ये माल इस तरह लाना है, इस तरह बेचना है, इस तरह स्टॉक रखना है। संगम युग पर भी अपने से बातें करें, भगवान आया है, मुझे किस किस तरह उससे सर्वश्रेष्ठ भाग्य ले लेना चाहिए, जन्म जन्म मैंने अपना बातों में व्यर्थ गंवाया है, इस समय मुझे बातों से मुक्त हो जाना चाहिए, सारा संसार व्यर्थ चिंतन और व्यर्थ दर्शन में लगा हुआ है, मुझे अब इन चीजों को छोड़ देना चाहिए। जब भगवान मेहमान बनकर मेरे द्वार पर आया है तो मुझे उससे संपूर्ण वरदान प्राप्त कर लेने चाहिए। ये अपने से बातें करने का तरीका है। सब करते हैं, अंडरलाइन करके करेंगे और अच्छी तरह, तो स्वयं को उमंग खुद ही दिला सकेंगे। और हम सभी अब जैसे जैसे कल्प समाप्ति की ओर है, अपने को समेटना प्रारंभ करें। हम सब ने बहुत विस्तार किए हुए हैं, इच्छाओं का विस्तार, धंधों का विस्तार, संकल्पों का विस्तार। सबसे पहले इच्छाओं के विस्तार को समेट लेना चाहिए। यदि हम भाग्य बनाने के समय भी वही सब कुछ करते रहे जो संसार कर रहा है, तो हम इस दौड़ में पीछे रह जाएंगे। इसलिए जो बुद्धिमान आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे, उन्हें इसी तरह अपने से बातें करनी हैं कि मुझे बाबा से सर्व खजाने प्राप्त कर लेने हैं, इतने खजाने ताकि मैं सारे संसार को जन्म जन्म खुले हाथ बांट सकूं। इच्छाओं को कम करते चलें, इच्छाओं का कहीं अंत नहीं है। ये नहीं सोचना है कि विनाश तो हो नहीं रहा, 2000 भी पूरा हो गया तो 2 भी पूरा हो गया, ऐसे ही 3-4 भी पूरे हो जाएंगे, बाबा कहता रहता है, पता नहीं कब होगा। ये सोचना बहुत बड़ी कमजोरी हो जाएगी। समय हमारे लिए रुका हुआ है, बाबा हमें समय दे रहा है, हमें अवसर दे रहा है, और बाबा ने ये कह दिया है, आज भी सवेरे था, कल अर्थक्वेक होगी तो बाबा आज बताएंगे नहीं, 1 घंटा पहले भी नहीं बताएंगे कि क्या होने वाला है। इसलिए संगम का हर सेकंड हमारे लिए बहुमूल्य है, श्रेष्ठ अनुभूति प्रदान करने वाला है। हम अपनी बुद्धि पूर्वक, समझदारी पूर्वक, विवेक पूर्वक इसका संपूर्ण लाभ उठाएंगे। अब मैं आप सभी के सामने संक्षेप में वो विधि रख दूं जिसको फिर से हम अभ्यास में लाएंगे। यदि आप पुराने हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि विधि से आप अलग हैं। तो जब दादी जी यहाँ आएंगी, हम सभी बाबा के आह्वान में बैठेंगे, 3-4 गीत बजेंगे। मैं आपके सामने अभ्यास रख देता हूँ, गीत बजेगा हम उड़ के चले जाएं। सब जानते हैं इस गीत को, हम उड़ के चलेंगे। 2 तरीके हैं उड़ के जाने के, जिसको जो सहज हो वो करेंगे। मैं फरिश्ता बनकर उड़कर चला वतन में, या मैं आत्मा बनकर उड़ चली बाबा के पास। बाबा के पास पहुंच गए, बाबा को टच करेंगे। ये शब्द बहुत अच्छा है, टच किया हमने सर्वशक्तिवान को, उसकी संपूर्ण करंट हमारे अंदर आ गई, हम वापिस आ गए नीचे,
और चारों ओर वाइब्रेशंस फैलाने लगे। ऊपर जाकर शक्तियां भरना, नीचे आकर फैलाना। बाबा पिछले कई समय से निराकार और फरिश्ते की ड्रिल हमें सिखा रहे हैं। आप ये संकल्प रख सकते हैं, निराकार होकर ऊपर जाना, निराकार से शक्तियां भरना, फरिश्ते बनकर नीचे आना और चारों ओर फैलाना। ऊपर जाकर भरना, नीचे आकर देना, यही अभ्यास हम करेंगे। और क्योंकि हम बाबा का आह्वान कर रहे हैं, इसलिए बाबा से मीठी मीठी रूरिहान भी करेंगे, प्यार भरी रूरिहान। प्यार से हम उसको बुलाएंगे, खींच लेंगे नीचे, ऐसे अनुभव में बैठेंगे कि प्यार से हमारा मन भरपूर हो जाए और प्यार में खींचा आ जाए प्यार का सागर। प्यार के संकल्प हर एक को सीख लेने चाहिए, कैसे कैसे रचे जाते हैं। यदि हम ये याद करेंगे कि बाबा ने मुझे क्या क्या दिया है, तो उसके लिए प्यार से चित्त भरपूर हो जाएगा। उसने मुझे नया जीवन प्रदान किया है। सबसे बड़ी चीज तो अंधकार से निकालकर ज्ञान की रोशनी दी है। मैं उन लोगों से पूछा करता हूं, हमारे भारत में विशेष रूप से आर्य समाज जी और सनातनी वेदों का ये पहला ही मंत्र गाया करते हैं कि हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश में ले चलो, तमसो मा ज्योतिर्गमय। मैं पूछा करता हूं, ये गाते ही रहोगे या प्रकाश में आओगे भी? जब भगवान प्रकाश में ले जा रहा हो तब भी हम गाते ही रहें, तो हमें बाबा प्रकाश में ले आया है, गहन अंधकार से निकालकर। बहुत बड़ी कृपा की है उसने, भगवान हम पे राजी हुआ है, मेहरबान हुआ है, हमें सब कुछ दे रहा है। जितना हमने उससे मांगा भी नहीं था, उससे बहुत ज्यादा दे रहा है। ऐसे ऐसे संकल्प करते हुए हम प्यार से उसका आह्वान करेंगे और फिर अभ्यास करेंगे साथ साथ कि वो ज्ञान सूर्य है, उसकी किरणें मुझ पर पड़ रही है। अभी सभी अभ्यास कर लें, ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे आ जाएं, उसकी किरणें निरंतर हम पे पड़ रही हैं और वो आ रहा है हमारा श्रृंगार करने के लिए। बाबा आ जाएंगे, सफेद लाइट होगी, सभी साइलेंस में बैठे रहेंगे और बाबा की दृष्टि का सुख प्राप्त करेंगे। ज्ञान सूर्य हमारे सामने आ बैठा है, उसकी किरणें सारे हॉल में फैल जाएंगी, हमारे मन के सभी संकल्प शांत हो जाएंगे। मन में और कोई संकल्प आने नहीं देना है, यदि आ जाए ऐसा मालिक बनकर बैठना है कि मैं स्वराज अधिकारी हूं, मन बुद्धि का राजा हूं, मेरा मन आज मेरी इच्छा के विरुद्ध कहीं नहीं जा सकता। मन में यदि कोई संकल्प आए, उसे एक ही संकल्प से हटा देना है कि आज नहीं, कल। इस हॉल में नहीं प्रवेश है, व्यर्थ संकल्प का अलाव नहीं है इस हॉल में। जब भगवान हमारे सामने बैठा है तो तुम क्यों आ गए हो बाहर? इस तरह अपने मन को शांत रखते हुए अपनी दृष्टि को सर्वशक्तिवान के स्वरूप पर स्थिर करेंगे। जितनी स्थिरता होगी उसकी शक्तियां हम में समाती रहेंगी। किसी को भी इस संकल्प से नहीं बैठना है कि हम तो बहुत पीछे बैठे हैं, बाबा की दृष्टि तो आ नहीं रही,
हम कोने में हैं, बाबा तो हमें देखता नहीं है। बाबा जब साकार में है तो सीमाएं हैं, जहां तक आंख देख सकती है वहीं तक बाबा देखेगा। लेकिन सत्यता तो यह है कि ज्ञान सूर्य की शक्तियां सभी तक पहुंचती रहती हैं। मन को शांत रखते हुए अपनी बुद्धि को उस पर स्थिर करेंगे तो शक्तियां भर जाएंगी। साथ ही साथ जब बाबा दृष्टि दे रहा हो तब हम वो पहला संकल्प भी करेंगे जो हमने आपको याद दिलाया था कि नए वर्ष में हम ये करेंगे, कि मुझे नए वर्ष में ये करना है। और आज जो बाबा बताएगा वो तो अवश्य कर लेना है। ये उमंग हमारे जीवन में बहुत चमत्कारिक परिवर्तन लाएगी। दृष्टि के बाद बाबा की मुरली चलती है। दृष्टि के बारे में मैं और कुछ भी आपको कहूंगा, दृष्टि के प्यासे तो बाबा के बच्चे सभी रहते ही हैं। और हमने ऐसा भी देखा कि यदि बाबा किसी को दृष्टि न दे आगे बैठे वाले को, तो वो नाराज हो जाते हैं भगवान से कि हम तो दौड़ दौड़ कर तुम्हारे सामने बैठे थे और तुमने हमें इग्नोर कर दिया। हम दृष्टि के प्यासे नहीं, दृष्टि के अधिकारी बन जाएं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि हमने वो सब कुछ किया है जो बाबा हमें कहते हैं, तो हम बाबा को विवश कर सकते हैं दृष्टि देने के लिए। बाबा की दृष्टि हम पर आकर ठहर जाएगी। जैसे वो महाचुंबक है, हम भी चुंबक बन सकते हैं। इसलिए दृष्टि के प्यासे नहीं, अधिकारी बनकर हमें दृष्टि का सुख लेना है। मुरली चलेगी बाबा की। जो पहली बार मुरली सुनते हैं उनसे कई शब्द मिस हो जाते हैं, इसलिए मैं आप सभी को कहूंगा कि मुख्य मुख्य पॉइंट्स लिखें और बाकी बाबा के स्वरूप पर अपनी बुद्धि को स्थिर रखते हुए बाबा से शक्तियां ग्रहण करते रहें। 2 घंटे चलती है बाबा की मुरली, 2-2.5 घंटे हम सुनते हुए साथ साथ उसकी किरणें भी प्राप्त कर सकते हैं, तो डबल काम हो जाएगा, वरदान भी प्राप्त होंगे और शक्तियां भी भर जाएंगी। उसके बाद तो नए वर्ष के लिए बहुत कुछ हम यहाँ देखेंगे स्टेज पर, और हम देखने का सुख प्राप्त करेंगे। ये तो संभव नहीं होता कि सभी स्टेज पर आ जाएं, इसलिए हम अच्छे चिंतन में रहेंगे उस समय कि हम कितने भाग्यवान हैं जो इन आंखों से भगवान को एक्ट करते हुए देख रहे हैं। बस इस तरह हम संपूर्ण रूप से आज के इस ईश्वरीय मिलन का सुख प्राप्त करेंगे। सभी जिस भावना से आए हैं सबकी सभी भावनाओं को बाबा पूर्ण कर देते हैं। हम भी बहुत उमंगों के साथ बैठे, फिर याद दिला दूं आपको, आज की सभा में, आज के इस मिलन में सभी कुछ न कुछ त्याग करने का व्रत लें। जो चीज आत्मा को कष्ट दे रही हो बाबा के आगे दृढ़ संकल्प कर दे, आज से हम इसको समर्पित कर रहे हैं आप पर, बाबा उसको हर लेगा। और नए वर्ष में हम क्या क्या करेंगे, ऐसी उमंग भरे संकल्प हम अपने मन में क्रिएट करें। तो ऐसी श्रेष्ठ कामना के साथ कि हम सभी आज इस मिलन का भरपूर सुख लेंगे, आप सभी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर फिर से ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे आ जाएं। ओम शांति।